दिस इज मी विक्रम शर्मा साइनिंग इन बैक अगेन ऑन माय चैनल विक्रम शर्मा माइल्स टू मेमोरीज। तो स्वागत है दोस्तों आपका आज एक नई सुबह बुधवार का दिन, और आज हम दोबारा से चल पड़े हैं जयपुर की तरफ। रीजन ये है कि भाई राजस्थान की धरती हमें बुलाती है बार बार। भाई रीजन ये है कि हमें मिलना है अपने वहां पे टीम मेंबर के साथ, और जो हमारे नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं हमें उसका डाउनलोड देना है उसको, और उनके साथ हमें आगे का रोड मैप डिस्कस करना है कि भाई कैसे चलेगी कहानी आगे। तो भाई बने रहो मेरे साथ, निकले हैं अभी, मौसम अभी साफ है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, कल पहाड़ों में बारिश हुई है, तो आज मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ठंड आने का चांसेस है। तो बने रहो, दिखाते हैं आपको और मिलते हैं अपने बंदे से, और आगे का रोड मैप बना के दिखाते हैं आपको रोडों का हाल। भाई एक्सयूवी चलाने का मजा ही कुछ अलग है यार, क्या लहराती हुई गाड़ी जा रही है यार। और जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ रहे हैं गाड़ी में कुछ अलग ही कंफर्ट जोन आ रहा है यार। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, कोई जादू सा हो रहा है भाई इस गाड़ी में। भाई अभी मेरे को ऐसा लगा कि मैं अभी सेटल भी नहीं हुआ हूं और मैं ऑलरेडी 12 किलोमीटर आ चुका हूं। तो मैं क्या बताऊं यार, मतलब इसमें मैंने टायर जो है वो ऑल टेरेन करवा दिए थे, नॉर्मल जो टायर आते थे वो हटा के मैंने इसको एक साइज अप साइज करवा दिया, वाइट टायर लगवा दिए, हवा में रखता हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट 33। भाई उससे क्या होता है कि टायर जो रबड़ है ना वो थोड़ा सा स्पंजी रहता है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देता हूँ मैं हवा का, तो राइड कंफर्ट और बढ़ जाता है भाई साहब। लहराती हुई यूं लहराती हुई जाती है गाड़ी, भाई क्या भाई साहब ड्राइव हो रही है। और मतलब ये जरा सा किल्ली दबाओ भाई साहब और उड़ती हुई जाती है गाड़ी ये। खैर मैं तो यार आई डोंट ड्राइव फास्ट, मैं तो देखो अभी 70 पे जा रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं 90 पे लेके जाऊंगा इसको, दैट इज माई लिमिट। तो भाई इंजॉय करो राइड को, बहुत मजा आ रहा है भाई साहब, मतलब अल्टीमेट ड्राइविंग है यार इस गाड़ी की। अभी अभी हमने क्रॉस किया है NSG, देखो कितना सुंदर मंदिर है यार। तो अब हम आ गए अरावली रेंज के साथ साथ। भाई ये आदमी जो जा रहा है ना स्कूटी पे, ये काफी तेज चला रहा है यार, ये ना मुझे समझ नहीं आ रहा, ये मिडिल एज तो नहीं है, अपर एज का ही बंदा है, बुजुर्ग आदमी है, और ये रॉकेट बनाए फिर रहा है भाई साहब इसको ना अपनी स्कूटी को। अभी तो फिर भी ये थोड़ा साइड में चला रहा है, पर पहले तो मेरे सामने चला रहा था यार, बीच ट्रैफिक के बीच में गोली की तरह यार। भाई मतलब कुछ लोग ऐसे हैं ना, इनको समझ में नहीं आता कि नेशनल हाईवे पे जहां पे ट्रक्स चल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए। अभी हम आ गए हैं 17 किलोमीटर आ चुके हैं भाई, और 2 मिनट पहले मैंने भी शूट किया था तब हम 12 किलोमीटर पे थे। ये देखो भाई साहब, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि देख रहे हो एक्सीडेंट, इतना बुरा हाल है यार, मतलब लोग ना दारू पी के चलाते हैं, क्या करते हैं गॉड नोज भाई। तो एनीवेज और 2 किलोमीटर बाद हम रुकेंगे पंचगांव में, और वहाँ पे हम फ्यूल अप कराएंगे गाड़ी को, वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद मैं सीधा डिनर करने वाला हूँ, रात को शाम को वापस आते हुए ही मैं कुछ खाऊंगा। तो बने रहो मेरे साथ, और आज पता नहीं मौसम कैसा, मौसम का क्या इस्तकबाल रहेगा तो देखते हैं, चलो चले। भाई ये पिछले 2 किलोमीटर से पूरी सड़क खोद रखी है इन्होंने यार, समझ में नहीं आ रहा यार ये लोग करने क्या चाह रहे हैं, पूरी सड़क खोद रखी है, गाड़ियां पूरी मिट्टी उड़ाती हुई जा रही हैं, वेयर एंड टेयर हो रही है, और ये जो ग्रेवल्स जो उड़ उड़ के आ रहे हैं, लोगों के कांच भी तोड़ेंगे ये, पर पता नहीं क्या क्यों तोड़ा है इसको, अगर तोड़ा है तो बना लो भाई, अगर कोई सुन रहा है तो देख लो यार, हम लोगों को दिक्कत हो रही है भाई। और ये नेशनल हाईवे है, पूरा आता है भाई साहब, ये पूरा जो हाईवे है ये आ रहा है आपका NH1 से होता हुआ पूरा, ये आज आपको लेके जाएगा बॉम्बे और साउथ तक। तो आप क्या कर रहे हो यार, कर लो। तो भाई हम आ गए हैं, अब आ गए हम सीधा 21 किलोमीटर, पता भी नहीं चला 21 किलोमीटर हमारे कैसे निकल गए। हम अभी सबसे पहले फ्यूल अप कराते हैं गाड़ी को यार। भाई देख रहे हो ये पेट्रोल पंप जनरली खाली मिलता है, पर आज यहाँ पे सारी गाड़ियाँ भरी पड़ी है, तो यार अपन यहाँ पे फ्यूल अप नहीं करेंगे, अपन आगे करवा लेंगे। सबसे पहले चलते हैं पंचगांव, पहले करते हैं थोड़ी पेट पूजा, फिर बाद में काम दूजा। चलो जी बाय बाय पेट्रोल पंप, आपसे नहीं भरवा रहे आज हम, ये अपना स्टैंडर्ड स्टॉप ओवर था, बट इतनी गाड़ियाँ इतने ट्रक खड़े हैं, और एक ट्रक कम से कम 20-20 मिनट लगा था यार, तो भाई अपन तो यहाँ पे रुकने वाले नहीं हैं। और ये आ गया अपना पंची गांव, आ गया पंची गांव।
तो पंचगांव में हम लोग अभी गाड़ी रोकेंगे अपनी, और यहाँ से हमारा होगा खाने का सिस्टम। ये आ गए हम पंचगांव में, और ये खड़ी हमारी काला चित्ता। काला चित्ता भाई, ब्लैक पैंथर, पंचगांव, स्टारबक्स कॉफ़ी। भाई सॉरी, हम आपके यहाँ नहीं रुकते, हम तो आगे रुकेंगे और 100 किलोमीटर जाके। तो चलो जी, हो जाए कुछ खाने पीने की तैयारी। यहाँ पहले दूसरे गार्ड खड़े होते थे, लंबे चौड़े मूछों वाले, आज शरीफ से बंदे खड़े हैं। क्या हाल है भाई? तो अब हम आगे भाई अपने स्टैंडर्ड स्टॉप ओवर पंचगांव में। देख रहे हो इंटीरियर कितना ज़ोरदार बना हुआ है। दिस इज़ वन प्लेस विच मेक्स फैंटास्टिक पराठास। तो यहाँ पे अपन पनीर पराठा खाएंगे चाय के साथ और आगे प्रस्थान करेंगे। तो भाई भैया आ गए, इनको हम ऑर्डर दे रहे हैं। भैया एक पनीर पराठा लेंगे, ठीक है, तवे वाला, और एक कड़क चाय विदाउट शुगर, और थोड़ा सा बटर और गार्लिक चटनी जो आपकी होती है, दैट्स इट। ठीक, थैंक यू भैया। तो भाई यहाँ पे मेरा फेवरेट है तवा पराठा, वही मैं खाता हूँ हमेशा। एंड लुक एट द एम्बियंस यार, बहुत बेटर है, बहुत सुंदर बनाया इन्होंने यार। दिस इज़ द बेस्ट रेस्टोरेंट यू हैव ऑन द हाईवे यार। जयपुर में नंबर वन जो हाईवे है वो यही है यार, यहीं पे आओ और यहीं खाओ। एंड द पराठा इज़ ऑसम। पराठा यार मुझे खाना नहीं था, बट मैं खा रहा हूँ। तो भाई समय हो रहा है इस वक्त 7:32, हम एग्जैक्ट 7 o'clock निकले थे। और ये देख रहे हो ना ये रेड वाला लोगो, भाई सब्सक्राइब करो यार विक्रम शर्मा माइल्स टू मेमरीज को। यही लोगो है रेड कलर का, पहचान लो दोस्तों इसको, आपका प्यार मिल रहा है। हमारे क्राइटेरिया पूरे होने वाले हैं बहुत जल्दी, मोनेटाइजेशन पे हम पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी हमारा चैनल, और इसके बाद होगी असली जर्नी शुरू। तो मेरे ख्याल से मिड ऑफ जून के बाद हमारे जो व्लॉग्स हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम अलग योनर के हो जाएंगे, क्योंकि तब तक हम मोनेटाइज कर चुके होंगे। भाई अपन ने परौठा खाना नहीं था, पर हम परौठा खा रहे हैं, हमने उसको ऑर्डर कर दिया परौठे का। थोड़ा रिडक्शन में है, पर मैंने कहा ले आ यार परौठा, तो यार कोई बात नहीं, क्योंकि पूरे दिन फिर मैंने कुछ खाना नहीं है, मेरी मीटिंग चल रही है, और उसके बाद रात को ही मिलेगा जो कुछ खाने को मिलेगा, तो इसलिए मैंने परौठा ले लिया, क्योंकि हैवी है, फिल रखेगा पूरे दिन। तो भाई भैया ले आए हैं चाय, ये मेरी फेवरेट चाय है यार यहाँ की पंचगांव की, कसौरे वाली चाय, बहुत बेहतरीन। ये मेरा स्टैंडर्ड स्टॉप ओवर है, मैं यहाँ रुकता ही रुकता हूँ यार जब भी जयपुर जाता हूँ। तो भाई मतलब महीने में एक बार तो रुकना होता ही होता है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। तो भाई ऑलवेज हैव योर टी विद मिनिमल शुगर, आधा पैकेट बस, आधा पैकेट, दैट्स इट, क्योंकि शुगर इज नॉट गुड इन लिक्विड फॉर्म। जहाँ पे कट डाउन कर सको वहाँ कट डाउन कर लो, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी कटौती नहीं करोगे अपनी ईटिंग हैबिट्स में, तो कैसे आप खाओगे अपने पसंद की चीज़ें। भाई चीयर्स भाई, एक नंबर स्वाद है चाय का, बेहतरीन चाय, बेहतरीन मतलब बेहतरीन से बेहतरीन। तो भाई ये आ गया हमारा पराठा, देख रहे हो कितना खतरनाक पराठा है यार, ब्लिसफुल पराठा है यार ये, बहुत बढ़िया बनाते हैं लोग। इसको खाने के बाद आपको पूरे दिन कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये देते हैं साथ में गार्लिक चटनी, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ यार। और ये वाइट बटर है, इसको मैंने बोला भाई येलो वाला है तो ले आ, बट वाइट की अलग बात है, पर मुझे येलो पर्सनली पसंद है यार। तो पनीर पराठे का आगाज किया जाए। ये देखो भाई, ये देख रहे हो आप, ज़ोरदार, इसके अंदर पूरा माल भरा हुआ है यार, इन्होंने पूरा पनीर भरा हुआ है इसके अंदर इन्होंने। सो भाई दिस गाय इज़ गेटिंग मी द येलो बटर, येलो बटर आ गया भाई साहब, हम ये खाएंगे। और हाँ वो ले जाओ आप यार, हम येलो बटर के साथ खाएंगे यार, इसका स्वाद ही अलग है, क्योंकि इसमें थोड़ा सॉल्टी टेस्ट होता है ना, विच एनहांसेस द टेस्ट यार। भाई इसका डेकोर देख रहे हो कितना बढ़िया यार, बहुत सुंदर इन्होंने बड़ा टेस्टफुली बनाया यार। अभी मैं जा रहा हूँ वॉशरूम हाथ धोने, वहाँ पे भी इन्होंने बहुत सुंदर बनाया हुआ यार, पूरा यहाँ से राजस्थानी टच नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ये छोटी सी ईट्स की शॉप है, काउंटर लगाया हुआ है, ये देखो बच्चों के लिए लॉलीपॉप्स एंड ऑल, ये आपके वॉशरूम्स आ गए, बहुत बढ़िया बनाए यार, देख रहे हो बहुत बढ़िया वॉशरूम्स बनाए।
तो ये इनका बाहर का है, लॉन बनाया हुआ है इन्होंने, बाहर का नज़ारा देख रहे हो। ग्राफिटी कितनी अच्छी की हुई है इन्होंने, पेंटिंग्स वगैरह बहुत बढ़िया बनाया हुआ है यार। बहुत अच्छा स्टॉल लगाया इन्होंने, ये भैया बैठे हुए हैं यहाँ पे, देखो लुक एट द ग्राफिटी यार, इट्स टू गुड। बहुत टेस्टफुली बनाया हुआ है, एम्बियंस है। तो यहाँ से हम बिल क्लियर करेंगे और चलेंगे यार। ये सारा इनका किचन एरिया है, यहीं से आपका सारा खाना बन गया रहा है। और आगे बहुत मैसिव ह्यूज इन्होंने डाइनिंग एरिया बनाया हुआ है। तो चलो भाई, बाय बाय पंचगांव, चलते हैं। हो गया हमारा ब्रेकफास्ट और यहाँ से मारेंगे सीधी अपन जयपुर की शूट। नमस्कार भैया, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत प्यार से ये लोग स्वागत करते हैं आपका यार। तो हिंदुस्तान की तो यही खूबसूरती है कि भाई यहाँ पे जो मेहमान नवाजी है, बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटैलिटी है यार हमारे देश की। अच्छे लोग हैं यार, यहीं रहो, यहीं इंजॉय करो अपने लोगों के बीच में। देखो गाड़ियाँ लगनी शुरू हो गई हैं भाई। आज अपन निकल पड़े हैं जयपुर के लिए और बिल्कुल कैजुअल अटायर में अपन चल रहे हैं। दिखाता हूँ मैं, देखो टी शर्ट बटन खोल के भाई डॉन जा रहा है आज जयपुर। जस्ट जोकिंग, आप जस्ट जोकिंग। तो भाई अपन जा रहे हैं आज, थोड़ा कैजुअल मूवमेंट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अपने बंदे से मिलना है तो काम की बात करनी होती है। टाई वाई है, कोट शोट या क्या पहनने यार, वो तो मैं वैसे भी नहीं पहनता यार। तो भाई चलो दिखाता हूँ मैं क्या पहन के जा रहा हूँ। ये हो गए टी शर्ट, ठीक है, और ये हो गए हमारे कैजुअल बुर्गाबिया, देख रहे हो। तो टोटली भाई अपना कैजुअल जा रहा है, टोटल कैजुअल। ये आ गई अपनी गाड़ी, तो चलो चले। खोल दी हमने अपनी काला चित्ता, काला चित्ता खोल दिया भाई साहब। काले चित्ते का हो रहा क्रैंक, क्रैंकिंग के बाद करेगा महिंदर स्वागत। महिंदर कर ले भाई, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। महिंदर ने स्वागत कर लिया है और अब यहाँ से हम मारेंगे सीधी शूट। समय हो रहा है 8:02, तो एक घंटे में 20 किलोमीटर और लंच, विच इज़ नॉट अ बैड स्पीड। और आप लोग बस अब हमें जो है भाइयों, चलो चलो चलो। अबे यार पहन रहा हूँ मेरे भाई, पहन रहा हूँ। तो भाइयों आप हमसे ये नहीं पूछोगे कि यार आपने आज वो एक्सप्रेसवे मुंबई वाला क्यों नहीं लिया, जिसमें लास्ट टाइम गए थे आप बड़ी तारीफें करते हुए शर्मा जी। तो शर्मा जी ये कहना चाहते हैं कि भाई अगर आपको जयपुर के असली रास्ते का मजा लेना है तो फिर भैया इसी रास्ते पे चलो, क्योंकि यहाँ पे खाते पीते मौज करते हुए ट्रैफिक में लोगों के बीच में जाओगे आप। भाई वो हाईवे तो टोटली खाली है, वहाँ कुछ ना है भाई पूरे रास्ते में, और खाने के नाम पे एक नंबर का गंध। और अगर खुदा ना खास्ता वहाँ गाड़ी आपकी ख़राब हो गई तो दूर दूर तक आपको पंचर वाला तक नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। तो भैया उसको अवॉइड करो। अगर आपने सिर्फ काला तारकोल देखना है और सिर्फ सड़क ही नापनी है तो फिर वो वाला हाईवे ठीक है, अदरवाइज बर्फी वाला, तेल पानी, अपना तेल पानी, सब कुछ इसी हाईवे पे मिलता है। वो बात अलग है कि थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है, हैवी ट्रैफिक है, रोड थोड़ी सी ख़राब है, बट फिर ड्राइविंग तो यही है ना दोस्त, ड्राइविंग प्लेजर तो यही है। तो बने रहो यार, चलते हैं। तो चलो भाई यहाँ से तेल डलवा लेते हैं गाड़ी का। जब हमने अपने अंदर तेल डलवा लिया तो फिर गाड़ी में ना डलवाएंगे भैया, यहीं से डलवाएंगे हम, यहीं से तेल डलवाएंगे भाई। वो आजा भाई, खाली रखे हुए सारे अपने खोमचे, लो जी। अब भाई राम राम, डाल दे 3000 का, डाल दे डीजल, तेरा नाप ठीक है ना भाई, है एक नंबर। क्या बात है, दारू दूर तो नहीं डाल रखे गाड़ी में, एक नंबर डीजल ही है ना। हाँ भाई डीजल है, डीजल है, एक नंबर तो दारू होती है, दारू तो नहीं डाल रहा इसके अंदर कहीं। अरे इधर देख, पहले स्माइल दे दे भाई, टीवी पे आएगा तू। डाल यार, डाल डाल भर दे। तो भाई हम 3000 का डाल रहे हैं इसमें तेल, खुराक मंत्री आधा टैंक ऑलरेडी है, तो आधा टैंक उसमें डाल के पूरी गाड़ी भर जाएगी यार। ये राजस्थान में जो है डीजल 5 रुपये के करीब महंगा है और पेट्रोल जो है वो 10 रुपये लीटर के करीब महंगा पड़ता है। तो अपने को यहाँ पे मिल रहा है 89 रुपीज़ का, ऑब्वियसली जो हरियाणा का रेट है वो मिल रहा है हमें। तो अपन जाके क्या कहते हैं
जब वहाँ पे भी जाके एक बार पेट्रोल पंप पर रुक के चेक करेंगे। तो भाई देख रहे हो यार, माइल्स टू मेमोरीज का स्टिकर लगवा दिया था मैंने, जब नाम मैं थोड़ा सा चेंज वेंज कर रहा था, अभी हो जाएगा विक्रम शर्मा माइल्स टू मेमोरीज। तो भाई इसको तुम लोग ना देख लेना जरा, काले चित्ते में जा रहे भाई साहब। तो ये भाई उन लाग रहा है 3000 का तेल पूरा, भाई तेल डलवा दिया है, ये मुद्रा दी जा रही है 3000 रुपये भैया को, कड़कड़ाते हुए नोट। ठीक है भाई, खुश है? खुश पक्का? सही में चल, थैंक यू यार। तो भाई टंची फुल, टंची फुल 770 किलोमीटर की रेंज, तो वही हमारी रेंज रोवर। अब हमने महिंद्रा को बना दिया रेंज रोवर, तो चलो भाई साहब चलें। अब पहन रहा हूँ महिंद्रा पहन रहा हूँ सीट बेल्ट अंग्रेजी वाला लग रहा है। तो भाई वी फ्रॉम कनाडा, कनाडा तो सी आए है गए हम, ते गाना चल रहा है जटा तेरी जोर जटी दे नाल नहीं, सम सम सॉन्ग एंड द पंजाबी इज कमिंग इन, जटा तेरी तोर नाल जटी दी तोर नहीं, तेरे नाल सोनी लगती है जोरी जट तेरी चोट। ओ भाई साहब, भाई वाशरमैन डंकी ना हेयर ना देयर हो रहा है भाई साहब। भाई साहब ना जाट बन पा रहे हैं, ना ब्राह्मण रह पा रहे हैं भाई साहब, ना अंग्रेज बन पा रहे हैं भाई। तो ये हो क्यों होने लग रहा है आजकल भाई? ये देखो पीला ट्रक जो है ना, ये है साला कटिंग मास्टर, देख रहे हो कैसे कट मार रहा है ये भाई साहब। Bastards like these should be bloody shot on the road. सड़क खुद भी मरेगा और लोगों को भी मारेगा यार। सड़क पे बाइकें भी चल रही हैं भाई, look at him, just look at him. ये देखना जा रहा है, चैन नहीं है इसको, he is driving on the wrong lane bro. ये चीज not acceptable है यार। अभी देखना, अभी करेगा हरकत दोबारा, ये दोबारा हरकत करेगा ये। अच्छी खासी यार स्पीड ले रहा है ये साला, पता नहीं यार किस तरह के लोग हैं इन साले, वो ना लाइसेंस देना ही नहीं चाहिए यार, सॉरी फॉर द लैंग्वेज। देखो कैसे इसको कितनी जल्दी हो रही है, उड़ता हुआ जा रहा है ये भाई। बड़ा गंदा कट मारा था इसने भाई, इतना गंदा कट मारा था इसने अभी, मतलब ऐसा तो यार मैं अपनी एक्सयूवी में भी कट मारने की नहीं सोच सकता जैसा इसने मारा यार भाई। ट्रैफिक में सम टाइम, बट ठीक है अब आ गया ट्रैफिक आ गया, अभी स्लो होना ही पड़ेगा इसको। बट दिस इज दीज आर द व्हाट शुड आई से यार, दीज आर द ब्लडी फकर्स हू स्पॉइल द एंटायर थिंग यार। अभी भी इसको चैन नहीं होगा, देखना अभी भी कटिंग करेगा ये। लो भाई फंस गए ट्रैफिक जैम में, यहाँ पे दिखा रहा है 11 मिनट का डिले, तो 11 मिनट तक अभी अपन को बम्पर टू बम्पर चलना है और फिर आगे हमें खुला हाईवे मिलेगा। तो भाई हो जाओ थोड़ा सा बोर मेरे साथ, क्या कर सकते हैं। लो जी आ गया अपना सेकंड स्टॉप ओवर, अपन रुके हैं अभी स्टारबक्स कॉफी में, हो जाए एक स्टारबक्स की कॉफी, और यहाँ से बस हमें अभी और एक घंटे का सफ़र और है, फिर हम अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे। तो चलो भाई एक कॉफ़ी हो जाए, ब्लैक कॉफ़ी, स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी। अपने ज़माने के गाने सुना था, सुन लिया आपने, कैसे लगे? गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हो भाई? पहले जरा आपके वॉशरूम यूज़ कर लें, फिर आपसी कॉफ़ी भी दें। थैंक यू डियर, थैंक यू। सो आई एम हैविंग द कोल्ड ब्रू ब्लैक, स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी, जो रात तक अपने को उल्लू की तरह जगा के रखेगी, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। तो बड़े अच्छे कॉफ़ी बीन्स है यार। तो बस अपन ये खा के ये लेके अभी फटाफट निकलते हैं यार। तो भैया ये ले लिया हमने अपना नशा, कॉफ़ी ले लिया हमने अपनी स्टारबक्स की, और अब हम चल पड़े हैं अब बिना नॉन स्टॉप बिना रुके ब्लैक पैंथर में बैठ के निकल लेंगे यार, कहीं गाड़ी वॉशिंग नज़र आई तो बड़े फुवारे मरवा लेंगे भाई। तो हम जयपुर के आउटस्कर्ट पर आ गए हैं, और ये पहाड़ जो है ना हाईवे पे, ये मेरी पर्सनल चॉइस है यार, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यार, क्या खूबसूरती है यार। मतलब ना छोटे से छोटे पहाड़ हैं और साथ साथ चल रहे हैं रोड के, और ये हम जा रहे हैं हाईवे पे, बहुत बढ़िया। सल्लू भाई ये गाने सुनते हुए चलो।
सुने सल्लू के गाने, सल्लू हमारे टाइम के गाने। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, हमारे टाइप के गाने ये। खूबसूरती इसको कहते हैं हाईवे की भाई साहब। हाईवे राजस्थान के पहाड़, रेगिस्तान, हाईवे, गर्मी, सर्दी, सब कुछ है भाई। रेत, नदियां, किले, एवरीथिंग इज हेयर यार। राजस्थान से बढ़िया कोई स्टेट नहीं लगती यार अपने को। बहुत ही बेहतरीन यार, देखो है ना, दिल खुश करने वाले नज़ारे हैं भाई साहब। भाई साहब ये देख रहे हो, ये सारी गाय, अभी ये गाय जो है टाप के गई है और ये भी अभी बीच में आएगी। यही है एक्सीडेंट के कारण, तो जरा इनसे बच के चलो। अभी ये ट्रक वाले ने गाड़ी धीरे की थी क्योंकि गाय बीच में आ गई एकदम और क्रॉस कर रही थी यार, बताओ। सो इन चीज़ों का ध्यान रखो यार, सड़क पे नजर रखो। व्हेन एवर यू आर ड्राइविंग बी वेरी वेरी केयरफुल यार, बी वेरी वेरी केयरफुल। सो गाइस बस अब हम पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन पे और मीटिंग खत्म करके फिर हम सीधी रवानगी कर देंगे। सोच तो रहे थे कि गुड़गांव जाएं पर एक मीटिंग और करेंगे यार, देखते हैं। आज गर्मी बहुत कम है यार, ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही, मौसम ठीक है क्योंकि पहाड़ों पे बारिश हुई है और बारिश की वजह से यहाँ पे ठंड आएगी और पहाड़ों पे बर्फबारी भी हुई है। तो भाई बने रहो, तो भैया एग्जिट का टाइम आ गया यहाँ से 600 मीटर पे, यहाँ से उतरेंगे और फिर चोमू की तरफ चल पड़ेंगे, चोमू। तो भाई ये रोड जा रही है खाटू श्याम जी, बीकानेर, सीकर एंड चोमू। भाई इस रोड पे हम खाटू श्याम जी के महाराज के दर्शन करने के लिए इसी रोड पे गए थे और नाउ वी आर गोइंग टू चोमू फॉर अ मीटिंग। चलो भाई चलते हैं यार। भाई देख रहे हो क्या पहाड़ी है यार, मतलब क्या सीन है भाई। हम चोमू पहुंच गए हैं नियरली जस्ट 5 किलोमीटर्स और आप ये देखो भाई साहब किलेबंदी हो रखी है ऊपर, बाउंड्री वॉल, किलेबंदी, पता नहीं क्या क्या है यार। राजस्थान में इतने रहस्य हैं यार, जो इनके माने हुए जो किले हैं उनके अलावा भी अगर आप कहीं निकल जाओ ना, आपको कुछ ना कुछ हेरिटेज नज़र आ ही जाती है यार। बहुत ज़ोरदार है यार, सड़कें देखो कितनी बढ़िया है यार, ये सड़कें हैं ही नहीं अपने वहाँ पे दिल्ली में यार। भाई साहब ये घर और घरों के पीछे इतना पहाड़ और पहाड़ पे किला और मंदिर यार, है ना, अलग ही चीज़ है यार, अलग ही चीज़ है भाई साहब। वो देखो वो पीछे वाइट बाउंड्री और ऊपर पहाड़ यार, जोरदार है यार। और भाई जीपों का तो यहाँ कल्चर भरा पड़ा यार, जीपें ही जीपें चलती हैं राजस्थान में, पुराने है ना रजवाड़े लोग हैं भाई, जीपों में इनका सफर, घोड़े या जीप यही है इनकी लाइफ। बहुत बढ़िया रॉयल यार, यहाँ आके बड़ी अच्छी फीलिंग आती है भाई, पता नहीं यार मैं बोलता रहा हूँ बट मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। देखो जीपें ही जीपें भरी पड़ी है यार यहाँ पे, ये एक और जीप, जीप सी जीप से भाई। राजस्थान इज जीप, राजस्थान इज फोर्ट, राजस्थान इज कल्चर, राजस्थान इज एवरीथिंग यार। मेरी फेवरेट स्टेट है यार हिमाचल एंड राजस्थान। देखो पीछे, तो भाई साहब जयपुर का ट्रिप खत्म करके अब हम निकल पड़े हैं गुड़गांव की तरफ वापसी। ऑलरेडी हम 66 किलोमीटर आ चुके हैं और बाहर का टेम्परेचर दिखा रहा 38, समय हो रहा 6:23। कम से कम 3 घंटे लगेंगे, ज़्यादा भी लग सकते हैं अगर हमने रुक के कहीं कुछ खाया पिया तो। भाई साहब अच्छी मीटिंग रही, अच्छा दिन निकला आज का, थोड़ा सा हेक्टिक था बट नेवरदलेस यू हैव टू डू द रनिंग अराउंड, सो हियर आई एम डूइंग इट। तो चलो जी अंधेरा होते होते आपको थोड़ी सी फुटेज दिखा देते हैं और फिर आपसे थोड़ी देर में दोबारा मिलते हैं, अगर कहीं रुके तो आपको दिखाएंगे क्या प्रोग्राम चल रहा है रस्ते का। देखो भाई साहब क्या व्यू है यार, हाईवे और हाईवे के साथ पहाड़ और पीछे से आती हुई थार, थार वाला चाह रहा है कि हमें ओवरटेक कर ले, पर बेचारे की गाड़ी में बॉडी रोल इतना है
जो कुछ कर नहीं पा रहा, चलो उसको हम साइड देते हैं। अपन जा रहे हैं 70 पे और थार जो है 70 पे डोल रही है भाई, बेचारा ओवरटेक नहीं कर पा रहा यार इतनी देर से, पूरा जोर लगा रहा है। अपन 70 की स्पीड पे है और 70 की स्पीड पे उसकी गाड़ी डोल रही है पूरी तरह, देख रहे हो दो गड्ढे आ जाए तो थार डावा डोल जाती है। कह रहे थी भेज आप इंजॉय करो, और जरा सी हमने किल्ली दाबी तो थार पीछे रहती हुई रह गई पीछे। ना है भाई थार के बस की ना है, थार सिर्फ एक मार्केटिंग है, थार सिर्फ एक गिमिक है, गिमिक गाड़ी में कुछ नहीं है, टीन का डब्बा दे दिया इन्होंने। ये देखो, देख रहे हो गाय देखी आपने, ऐसे होता है एक्सीडेंट, थार की लग गई लंका पीछे, एकदम से उसको ब्रेक मारनी पड़ गई क्योंकि कंट्रोल नहीं है ना भाई, बॉडी रोल है पूरा, डब्बा पूरा डोल गया। तो थार है बेकार, थार इज थार कहते हैं ना, थार इज बेकार, नाम थार रख देने से थोड़ी ना आप डेजर्ट की तरह एकदम विराट हो जाओगे, आप तो डब्बा ही हो यार, कोई फीचर नहीं कुछ नहीं, बकवास, सिर्फ 4x4 दे दिया है और इंडिया में तो 4x4 वैसे भी नहीं चलता यार। तो भाई अभी हो रहा है डॉन का समय, डॉन तो नहीं, डस्क का समय हो रहा है। तो अभी धीरे धीरे जो है लाइट बहुत बेहतरीन होती जा रही है, और अड़ जा चाचा कबाड़ कर ले साइड में। तो भाई अब देख रहे हैं यार कोई बढ़िया सी जगह रुक के कुछ खाया पिया जाए यार। देखो भाई साहब पहाड़ों की ब्यूटी देखो यार, पहाड़ की ब्यूटी देखो और देखो वहां से निकली थार, पूरा जोर लगा रही है थार, और ये हम जा रहे हैं 60 की स्पीड में भाई, बताओ 65 की स्पीड में थार पूरी डोल डाल के ब्रेके ब्रूके लगाता हुआ भागता हुआ जा रहा है यार, क्या बकवास है यार, मजाक बना दिया महिंद्रा ने ना भाई। एक्सयूवी 500 के बाद जो निकाला इन्होंने कबाड़ ही निकाला, और ये जो गाड़ी है 10 लाख की गाड़ी को ये 18-19 लाख की बना के बेच रहे हैं, और कुछ समझदार लोग खरीद ही जा रहे हैं भाई। आप एक हर साल इसके 1.5 लाख कीमत बढ़ा रहे हो, और चुपचाप हमारी जनता जो है प्यार से उड़ता हुआ सुल्लड़ ले रही है। भैया आपको अगर 1 रुपए डीजल का रेट बढ़ जाए ना तो जान निकलती है, क्योंकि गवर्नमेंट उस पैसे को यूज कर रही है, चाइना को डराने के लिए बॉर्डर पे यूज कर रही है। और साला थार का 1-1.5 लाख रुपए बढ़ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं भैया, बड़ा इमोशन है तुम्हारा थार के साथ, देश के साथ कोई इमोशन नहीं है भाई, भरो ना टैक्स। मैं तो कहता हूं कि गवर्नमेंट को भाई लोग पेट्रोल और डीजल कर देना चाहिए 500 रुपए लीटर, अब डलाओ, अब खरीदो गाड़ी, उसके बाद जिसमें दम है वो खरीदेगा, डोल जाएगी पूरी पब्लिक भाई साहब, मंडोला हो जाएगा इनका, मंडोला तंडोला हो जाएगा इनका सबका। तो ये है भाई साहब कहानी, थार चली गई आगे, भाग गई थार, और हम तो आराम से जा रहे हैं भाई 70 की स्पीड में, देख रहे हो अपन इससे ऊपर चलाते नहीं, 70, 80, 90 पूरे 100 में लगा धागा, थार निकल के भागा। अबे क्या हो रहा है यार, क्या क्या डायलॉगबाजी हो रही है भाई, क्या है विक्रम शर्मा तुम क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो यार। एनीवेज सो गाइस वी आर ऑन द वे बैक टू गुड़गांव, भूख लग रही है हल्की हल्की, भी कुछ खा लेते हैं हल्का सा यार, देखते हैं कुछ मिलता खाने के लिए, नहीं मिलता कोई ढंग की चीज, सो वील जस्ट पुल ओवर फॉर अ पिट स्टॉप एंड देन वी विल मूव ऑन टू गुड़गांव। भाई देख रहे हो हमारा काला चित्ता, चित्ता का चित्ता भी पीता है भाई, यो तो बहुत पीता है भाई, तेल बहुत पीवे है, यो है काला चित्ता। अब इसमें से निकालेंगे हम चार्जर, और फिर आपको एक दिखाएंगे चीज, एक आपको चीज दिखाएंगे भाई साहब, बढ़िया वाली चीज, होल्ड ये देखो भाई, ये है लॉन टेनिस कोर्ट, जितनी बैटरी ऑपरेटेड कारें हैं ये उनकी बे बना रखी हैं, एंड दिस इज द चार्जिंग पोर्ट जहाँ पे ये चार्जिंग करते हैं भाई साहब। टायरेक्स पावरिंग ग्रोथ info@tyrexchargers.com, देख रहे हो आप, ये है भाई साहब चार्जिंग का जुगाड़, तो नॉट अ बैड थिंग, दे हैव स्टार्टेड पुटिंग इट द पुटिंग द सिस्टम ऑन बोर्ड। तो भैया फोटम चार्ज एंड ड्राइव, सो इसके चार्जेस वार्जेस होते होंगे कुछ, इसमें बताता होगा ये, राइट ये इसका वो है फुंतरू जो चार्जर में लगेगा,
अंदर बैटरियां लगा रखी होंगी इन्होंने पावर ऑपरेटेड तगड़ी वाली, यहाँ से चार्जिंग होती है भाई साहब। और धीरे धीरे ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और गवर्नमेंट इज पुटिंग अप द सिस्टम ऑन बोर्ड। धीरे धीरे चार्जिंग पोर्ट्स लग रहे हैं, बैटरीज आ रही हैं और ट्रांजिशन फेज चालू हो चुका है। तो चलो हम रुके हैं शिवा ढाबा पे ऑन द हाईवे अराउंड 70-80 किलोमीटर फ्रॉम जयपुर ऑन द वे टू गुड़गांव। तो भाई आपका जो है अभी कुछ खाएगा और फिर चलेगा। और ये खड़ा काला चीता, काले चीते को भी नहलाने आएगा बंदा। तो भाई हम आ गए शिवा ढाबा पे, द ईटरीज, काफ़ी कुछ है यहाँ पे खाने पीने, बच्चों के लिए तो बहुत कुछ है। क्लब ऑफ कॉफ़ी, ह्यूमर आइसक्रीम, अमूल, मटका कुल्फी एंड बाबा कालाचंद, काला, अच्छा बाबा कलाकंद, बाबा कालाचंद कौन है भाई। जैन चिकन जी, जैन को जतिन की तरह लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सो विल सिट हियर एंड हैव समथिंग यार, कुछ खाया जाए। अब आ गया मेनू भैया, देखो अभी तो खाने का टाइम तो है नहीं, डिनर का टाइम तो है नहीं, लंच निकल चुका है, जो कहोगे मैं वो खा लूँगा। क्या खाऊँ बताओ, स्नैक्स टाइप में क्या लिया जाए बताओ। यार तुम सैंडविच में मेयोनीज लगा देते हो बहुत ज़्यादा। ग्रिल्ड पनीर सैंडविच मिल जाएगा, अरे इडली मिल जाएगी, इडली एक प्लेट इडली खिला दो आप मुझे, ठीक है। बस तू इडली छाछ ले आ एक, ठीक है, बस ये दो चीज़ें कर दे यार भाई, थैंक यू मेरे भाई। तो भाई ये आ गई हमारी छाछ और ये आ गया हमारा इडली। तो अब हम इडली खाने जा रहे हैं भाई साहब, इडली एंड छाछ, इसके बाद घर जाके करेंगे डिनर नॉन स्टॉप। भाई इस टाइम पे ना दिन के बहुत अच्छी वीडियोग्राफी होती है यार, इतनी अच्छे फोटोग्राफ आते हैं ना, मतलब सूरज डूबा भी नहीं है और सूरज सर पे भी नहीं है, तो भाई बहुत सही। अरे भैया लगे हुए हमारी गाड़ी साफ करने, भैया की कमाई में बरकत हो। भैया धो दी, थैंक यू भैया, भैया ने हमारा काला चीता चमका दिया भाई, भैया ने बढ़िया काम कर दिया गाड़ी में यार, नाइस, थैंक यू भैया, थैंक यू। तो भाई गाड़ी हमने क्रैंक कर दी है, अब हम चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ विच इज गुड़गांव। चलो मित्रों चलो चले। अरे महिंदर पहन रहा हूँ यार, पहन रहा हूँ इसका तो टेटवा दबा दूंगा मैं जाके ना, अभिषेक भैया के पास ले जाऊंगा इसको और कहूंगा इस महिंदर का टेटवा दबा दो यार। कैसे भाई वो कसुत्ता भोगना नहीं चाहिए आदमी। डर गया भाई, दो बार बोल के चुप हो गया, नहीं तो ये थाला 10 बार बकवास करता है ये। डर गया भाई, इसको इसने गब्बर शोले नहीं देखी, इसने जो डर गया समझो मर गया। चलो बॉस, क्या लाइट आ रही है, क्या व्यू आ रहा है यार, एक नंबर। चलो भाई, तो लो भाई अपन घर आ गए, कपड़े चेंज कर लिए भाई सारे, और अब अपना ये ब्लॉग अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं विद अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू ऑल द फ्रेंड्स कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल विक्रम शर्मा माइल्स टू मेमोरीज सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। प्लीज़ मोटिवेट यार गाइस, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, अपने क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं, बताएंगे आपको बहुत जल्दी कि हमारा व्लॉग जो है, हमारा चैनल जो है वो कहाँ जा रहा है, कितनी जल्दी मोनेटाइज होने वाला है। जल्दी जल्दी करा दो मोनेटाइज यार, बहुत जल्दी, क्योंकि अभी हम आधा क्राइटेरिया पूरा कर चुके हैं और दूसरे क्राइटेरिया का भी आधे से ज़्यादा क्राइटेरिया हम पूरा कर चुके हैं। मुझे लग रहा है कि हफ्ते भर में आप लोग मेरे को ये टपा दोगे यार, तो जल्दी जल्दी करो यार, थैंक यू वेरी मच। अंटिल माई नेक्स्ट व्लॉग टुमारो मॉर्निंग, सी यू गाइस, स्लीप टाइट एंड बी सेफ, खराटे मत लेना, बीजी को परेशान मत करना एंड हैव स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट। भाई एक चीज़ तो हम आपको बताना भूल ही गए, हम आए लेट हैं, ठीक है, हमने कपड़े बदल लिए हैं और ये देख रहे हो समय हो रहा है अभी 11:43 और अभी हम कर रहे हैं भाई डंबल्स। तो ये एक घंटा चलेगी अभी हमारी एक्सरसाइज रजीम, और तगड़ा रहो, तगड़े बनो दोस्तों, तो करो एक्सरसाइज, खुल के जियो अपनी ज़िंदगी, एंजॉय योर लाइफ, कल मिलते हैं।